पीढ़ियां कोई माँ इदा अपने बच्चे नाल ना करे कि उठ के जे बच्चा माड़ा मोटा जे सतावे जा खिज खेडे तो उन्होंने उठ के दवाई दे दो। माता पिता के आपसी कलेश का खामियाजा एक 7 साला बच्चे नू अपनी जान दे के जड़ा चुकाना पे है। पिंड हसुवाल की घटना जिथे कलयुगी मां दे वल्लों अपने ही 7 साल के मासूम बच्चे नू जहर दे के मार दिता गया, उस तों मौत दी नींद सुला दिता गया। कहा जा रहा है कि दोवां परिवारां दे विचकार जिहड़ा मां प्यो दे विचकार जिहड़ा सी काफ़ी विवाद रहिंदा सी, कलेश रहिंदा सी आपस दे विच, ते उसे दे चलदियां होइयां मां ने गुस्से विच आके अपने जो पुत्त सू तंग कर रहा सी अपने पुत्त नूं जहर दे दिता। पूरा मामला पूरी कहानी क्यों इन्ना ज़्यादा इस मां दे उस वेले हथ नहीं कंबे कंबे, क्यों इन्ना ज़्यादा गुस्सा इस मां दे विच भरिया होया सी कि उसने अपने ही पुत्त नूं जिहड़ी है मौत देण तों पहलां एक वार भी नहीं सोचा, पहला एक बार तस्वीर वेखो तो उस तो बाद उस माँ दे जेड़ा उस बच्चा जो बच्चे जिसकी मौत हुई है उसके पिता दी सारे जेड़ा मामला उसके जुबानी सुनते हैं। कपूरथला के पिंड हसुवाल की घटना जिथे कि एक माँ के वलों अपने ही 7 साल के मासूम बच्चे नू जहर दे के मार दिता गया। एक बार तो जो भी इस खबर बारे कोई भी जो सुनता है तो सुन के एक बार रूह कंब जाती है कि एक माँ किवें अपने ही बच्चे का काल बन सकती है, किवें ही उस बच्चे नू मौत की नींद सुला सकती है जिसनों उसने खुद 9 महीने अपने कुख दे विच रखा होवे, इन्हां मुश्किलां सहन तो बाद उस बच्चे नू जन्म दिता होवे, ते एक मामूली विवाद तो बाद उसे अपने बच्चे नू मौत दे देवे। सो काफ़ी हैरान कर देने वाला यह मामला है। हालांकि इस बच्चे के पिता वालों कहा जा रहा है कि कोई घर का कोई रौला सी, घर बदलन नू रह के काफ़ी दिनों तो विवाद चल रहा सी दोवां दे विचकार, ते माँ जिहड़ी है काफ़ी दिनों तो गुस्से विच सी, हर गल ते जिहड़ी है बहस बसैया हो रहा सी, ते उस दिन भी जो तो वो बाहर गया होया सी, ते उसे बाद जो तो बच्चा तंग कर रहा सी तां माँ दे वल्लों बच्चे नूं जहर दे दिता गया। जो तो पिता ने घर आके देखिया बच्चा उल्टियां कर रहा सी, बच्चा तकलीफ दे विच सी, ते उस बच्चे नूं पुछिया की होया तां उस बच्चे ने कहा कि मैनूं मम्मी ने गोली खवा दिती है। सो उस बच्चे ने अपने पिता नूं मरन तो पहलां दस्या कि मैनू माँ ने जिहड़ी है वह दवाई खवा दिती है, वह बच्चा तकलीफ दे विच सी उल्टियां करदा होया उस बच्चे ने आखिरकार उस बच्चे की मौत हो जाती है। उसके पिता की बयान के मुताबिक जिहड़ा है पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिती है। एक बार तुसीं भी बयान सुनो, पूरी कहानी जाणो कि आखिरकार अजिहा की गुस्सा सी, अजिहा भी की विवाद सी, एक माँ अपने गुस्से ते काबू नहीं रख सकी ते अपने बच्चे नूं जिहड़ी है मौत दी नींद सुला गई। गल कुछ नहीं भाजी, ये कहती कि तू इत पिंड खलारा पा के बह गया, मकान ढा के बह गया, तो मैं नहीं इतने रहना, तो मैं जाना ही बेगुआ। तो मैं क्या आप इतने रहना, आप गरीब मजदूर है ना, तो माड़ी चंकी रोटी खाते हैं, है इतू भी जाते रहेंगे शहर उ रह सकते जिन्हों को पैसा टका खुला, अं गरीबा ने की करना उत्थे जाके, नाले साडा कड़ा कोई उत्थे है, इतने तो पिंड ने ताए चाचे ने है। तो यह गल जिद जिद नाल इन्हें इदा किया मुंडे नूं दवाई दित्ती, इत्थे क्यों मकान कमरे पाउण लगा। तो फिर मैं पूछया भी मैं जदों दवाई देती इन्हें मुंडे नूं किन्ना टाइम जदों दवाई दित्ती, 7 बजे
सत्त बजे की गल है कल की। तो फिर मैंने जो दवाई दी जो मैं उधरों आया इटा उटा साफ करके जिधर कमरे बनाते हैं आंदियां मैं देखिया तो इतने मुंडा आके आंदियां बिलकुल दिया ढिड फटके रोन दिया उची उची बड़ा नाले थुकन दिया तो उल्टी करन दिया ही उल्टी आती नहीं पई हूँ है बड़ा उची उची रोन दिया कहिंदा मैं क्या पुत की होया भी उहदे तैनूं की होया मैनूं की पता ही इहने दवाई दवाई खाधी दित्ती इहने तो मैं क्या अभी की होया कहिंदा मैनूं दवाई देती मम्मी ने मैं क्या कहदी कहिंदा कणक दी मैं फिर घबरा गया मैं पूछा इन्हू पूछया अपने घर दी नूं मैं क्या क्यों सर जी तू कहां तू इदां कीता बच्चे ने तू मैनूं दे दिंदी दवाई उहदा की कसूर है कहिंदी नहीं मैं क्या कातू फिर मैं क्या तू मैनूं दस अज कातू कीता इदां अभी ने तेनू की किया कातू किया बच्चे ने इदा तू कातू दवाई दी उन्होंने कहती मैं ता दी तू मनता नहीं कि तू कहना कि मैं इतने रहना पिंड मैं इन्नी क गल तू तू दवाई देती कहती हाँ मैं ये तू बड़ी वही गलती की बहुत ज़्यादा गुनाह किया भाजी इन्हें थोड़ा नहीं फिर हस्पताल खड़िया हाँ हाँ उस फिर मैं दवा दवा इतों भजा गया भजा दवा दवा किसी ने कहा इतने सबका सरपंच ही पूरन सिंह दूजा जो नवा सरपंच तो नहीं चलो मैं क्या काम से गया होना उन्हें आंदे आंदे लेट देर हो जानी ये लागे इन मैं दवा दवा कह मुंडा किसी तरीके बचाव दवा दवा चक के तो मुंडे उसे लै गए इनू भी लै गए मैं कहती मैं भी खाधी सानू भी पता ही इन्हें नहीं खाधी तो कहती मैं भी खाधी उतें लै गए इन्हों वाली हॉस्पिटल नडाले पहला उत्ते चेक कराया तो नर्सा ने कहा इन्हें नहीं खाधी दवाई इन्हें मुंडे कंजरी ने खवाई कर ली आप चंकी भली तो मुंडा तो डर इतों हिसाब ना जवाब ही इतों वालिया इतों नडाले फिर भी कहते चेक करा लो जाके कि चंगे हॉस्पिटल मसूदा लै जाओ पुलिस ने की कार्रवाई की हूँ तो पुलिस ने इदा ही हूँ लिखिया रिपोर्टा रिपोर्टा सारा कुछ लिखिया पौन छाण की सारा कुछ उन्होंने भी पता कि यदि गलती है जनानी की गलती सारी घर आला तो घर नहीं है तो ये जनानी ने आप सारे कहें स्टाफ कहें बड़ी वही गलती की बच्चे दवाई दे मैं तो हूँ मेरा तो इतना कोई कनैक्शन नहीं है हैं मैं तो कहना इनू वो सज़ा मिले आने वाले पीढ़िया कोई माँ इदा अपने बच्चे नाल ना करे कि उठ के जो बच्चा माड़ा मोटा जो सतावे जा खेडे तो उन्होंने उठ के दवाई दे दो ये कल सानू अर्ली मॉर्निंग एक मैसेज आया सीगा कि इदा करके बच्चे की कोई अराउंड 6-7 साल है उसकी मौत हो गई जिस संबंधी असी वेरीफाई किया जिद लड़के का जो पिता है हरजीत सिंह उन्हें साढ़े को फिर एक बयान दिखाया सीगा कि इन्हों का वाइफ का जोड़ा है कोई डिस्प्यूट सीगा फैमिली डिस्प्यूट जिद तो जी वाइफ है सरबजीत कौर टेंशन चा के मतलब कुछ बच्चे भी मेडिसन वगैरह उन्हें जिन्हों अपना जहरीली दवाई या पेस्टीसाइड कहना पेस्टीसाइड उन्हें दे दी सी तो कुछ उन्हें आप भी खाधी सी जिदा अलैच किया गया कि उन्हें आप भी खाधी सी बट वो जो बच्चा है वो डैथ हो गई सी और ये लेडी जी सरबजीत कौर बच्चे की माँ जी है ये हॉस्पिटल ड्यूरिंग मतलब मेडिकल सुपरविजन ठीक हो गई सी मतलब बच गई है तो जिन्होंने इस मुकदमे असी अरैसट कर रहे हैं।